प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के अध्याय 2 यानी नए राजा और उनके राज्य मीन्स न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के भाग 2 की बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रथम भाग में 7वीं-8वीं शताब्दी के राजाओं के बारे में जाना। इसमें हमने प्रशासन, कर निर्धारण, प्रशस्ति पत्र, भूमि अनुदान, युद्ध के कारण इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा की। बच्चों, आज हम चोल वंश के बारे में, वे किस तरह के से अपना शासन चलाते थे, किस तरह कृषि करते थे और उनमें सामंतों की व्यवस्था कैसी थी इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन दिनों समकालीन अन्य देशों विशेषकर चीन के राजवंश किन प्रक्रियाओं और परंपराओं के द्वारा अपना शासन चलाया करते थे। तो बच्चों, आओ इस पाठ की ओर बढ़ें। बच्चों, आप एक चित्र देख रहे हैं, ये चोल साम्राज्य का चित्र है। बच्चों, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत और मध्य भारत में फैला हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले तो यह जाने कि चोल साम्राज्य सत्ता में कैसे आया। बच्चों, कावेरी डेल्टा में एक मुटरियार नामक कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंतों की सत्ता थी। उरैयार के चोल वंश के मुखिया, जिनका नाम विजयालय, ने 9वीं सदी में मुटरियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां तंजावुर नाम का शहर बसाया। साथ ही निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो बच्चों, चोल साम्राज्य उरैयूर से तंजावुर तक फैला हुआ था। बच्चों, राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। बच्चों, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी इसी की नीतियों का पालन कर गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। राजेंद्र प्रथम ने इन अभियानों के लिए एक जलसेना भी बनाई थी। तो बच्चों, चोल साम्राज्य भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध था। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। बच्चों, आप चित्र में भी गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर के देख रहे होंगे। इसकी छत क्रमशः पतली होती गई है और अगर आप ध्यान दें तो बाहरी दीवार पत्थरों पर बड़ी सुंदर प्रतिमाएं अलंकृत की गई है। तो बच्चों, इस तरह जो वहाँ पे बड़े भव्य मंदिर बनाए गए थे। बच्चों, चोल काल के मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे बल्कि उत्पादन के केंद्र भी हुआ करते थे। ये मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोलकालीन मंदिर प्रायः शासकों द्वारा दी गई भूमि की वजह से संपन्न हुआ करते थे। इस भूमि की उपज निर्वाह वो लोग करते थे जो मंदिर के आसपास रहकर उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि। बच्चों, कांसे की मूर्ति बनाना मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था। चोलवंशी प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांसे प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। बच्चों, चित्र में भी आप एक कांसे की प्रतिमा देख रहे हैं, चोल साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। तो बच्चों, आओ इनकी कृषि और सिंचाई के बारे में भी जानें। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से ही संभव हुई। बच्चों, कावेरी नदी की कई शाखाएं छोटी छोटी नदियों के रूप में चोल साम्राज्य के अनेक हिस्सों में बहने की वजह से ही किनारों की मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ थी। कावेरी नदी की शाखाओं का पानी कृषि उपज, विशेषतः चावल की खेती के लिए परम उपयोगी था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं और 6वीं सदी में इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती की शुरुआत हुई। बच्चों, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर और जमीनों को समतल कर खेती की जाने लगी। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। खेतों तक पानी को ले जाने के लिए नहरों का निर्माण और एक साल में दो फसलें उगाने जैसी अनेक तरीके अपनाए गए। बच्चों, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई अब नहरों से की जाती थी। सिंचाई के लिए कुछ अन्य संसाधन जैसे कुएं, जलाशय आदि का निर्माण किया गया। बच्चों, यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे होंगे
जो तमिलनाडु का एक जल द्वार है। बच्चों, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार संगठित था, आओ इसके बारे में भी जानें। बच्चों, वहाँ की किसानों की जो बस्तियाँ बहुत समृद्ध थीं, इन बस्तियों को उर कहा जाता था। इस तरह गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद नाडू के साथ मिलकर कर वसूलने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करते थे। नाडू के बिलाल जाति के धनी किसान का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। जो नाडू में बिलाल जाति के धनी किसान थे बच्चों, उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। कई धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन यानी तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधियां और साथ में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिया गया था। चोल काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में प्राप्त होती थी। बच्चों, प्रथम भाग में हमने जाना था कि भूमि अनुदान क्या होता है, जिसके कारण दक्षिण भारत के कावेरी घाट सहित कई अन्य हिस्सों में भी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। बच्चों, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए समितियां बनाई जाती थी। इनके सदस्यों की सदस्यता निश्चित करने के लिए योग्य लोगों के नाम एक ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते थे। इसके बाद किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि वहाँ पर जो भूमि को भी विभिन्न कोटियों में बांटा था। चोल के अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि पल्ली चंदन चंदम कहलाती है। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान या तिरुन मुट्टुकन्नी कहलाती है। इसी तरह किसी विद्यालय के रखवाव के लिए भूमि शाला भोग कहलाती है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती है। बच्चों, इसी प्रकार जो गैर ब्राह्मण थे किसान थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बेलन वगाई कहलाती थी। तो बच्चों, इस तरह भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख उनके अभिलेखों में मिलता है। बच्चों, जो उत्तर मेरू अभिलेख था उसमें जो है सभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है। तो उसके पास सबसे पहले तो क्या होता था कि जो उसके इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस प्रकार इसका उल्लेख भी उनके इस उत्तर मेरू अभिलेख में मिलता है। बच्चों, चोलकालीन साक्ष्यों में ऐसा कोई भी अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिससे साधारण पुरुषों और औरतों के जी में विशेष जानकारी मिल सके। बच्चों, इस तरह के अभिलेख हमें चोल साम्राज्य में मिले। ऐसे ही बच्चों, उन दिनों समकालीन अन्य देशों विशेषकर चीन के राजवंश में तांग साम्राज्य फैला हुआ था। अब वहाँ पे उनकी प्रक्रियाएं और परंपराएं किस तरह थी, आओ जाने। तो बच्चों, इसी काल में 7वीं से 10वीं शताब्दी में चीन में एक राजवंश सत्ता में रहा जिसे तांग राजवंश कहा गया, जिसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोगों का आना जाना हुआ करता था, जिसमें मुख्य व्यापारी वर्ग था। तांग साम्राज्य में प्रशासन के लिए नौकरशाहों की नियुक्ति परीक्षाओं के माध्यम से होती थी। तो बच्चों, जिस प्रकार अभी भी नौकरी के लिए परीक्षाएं दी जाती है, उस समय भी परीक्षाएं ही नौकरी के लिए दी जाती थी। इन परीक्षाओं में कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों की यह चयन प्रक्रिया 1191 तक चलती रही, परंतु कुछ कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ। तो बच्चों, इस तरह नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में हमने चर्चा की। विशेषकर चोल वंश के बारे में हमने चर्चा की कि वे किस तरह से अपना प्रशासन चलाते थे, किस तरह कृषि करते थे, किस तरह उनमें सामंतों की व्यवस्था थी। इसी प्रकार हमने वहाँ अन्य देशों में विशेषकर चीन के तांग साम्राज्य के बारे में चर्चा की।
तो आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ से बहुत जानकारी मिली होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के साथ कार्यपत्रक भी संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है कि उसमें दिए गए प्रश्नों को अवश्य हल करें ताकि आपकी इसके बारे में और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।